पेरिस ओलंपिक 2024 इस बार कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहे फ्रांस ने ओलंपिक की खास तैयारियां की है और खेलों को आकर्षक बनाने के लिए काफी मेहनत की है। हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 को एक खास स्पोर्टिंग इवेंट बनाने जा रही है। सबसे पहली बात, ये पहला मौका होगा जब ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में नहीं होने वाली है। इस बार पेरिस में बहने वाली सीन नदी के किनारों पर 6 किलोमीटर तक ये सेरेमनी मनाई जाएगी। सन 1900 में आयोजित हुआ पेरिस ओलंपिक ही था जहां पहली बार महिला खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला था और कुल खिलाड़ियों में महिलाओं की संख्या 3% ही थी। दूसरी बड़ी बात ये है कि इस बार के ओलंपिक खेलों में लैंगिक समानता देखने को मिलेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या बराबर है। तीसरी खास बात ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 बीते सभी ओलंपिक खेलों के मुकाबले पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा अनुकूल है। आयोजकों की कोशिश है कि फ्रांस में बने 100% रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल हो, साथ ही बचने वाले और बर्बाद हो रहे खाद्य पदार्थों से खाद बनाई जाएगी। चौथी बड़ी बात ये है कि कई खेलों में बड़े बदलाव किए गए हैं। कायक क्रॉस को पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाया गया है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, सेलिंग, शूटिंग, वॉलीबॉल और अन्य कई खेलों के नियमों में बदलाव हुए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पांचवी खास बात ये है कि 70 के दशक में न्यूयॉर्क की सड़कों पर पनपा ब्रेक डांस अब ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने जा रहा है। एथलेटिक्स और अर्बन डांस कंपटीशन में 16 बी बॉयज और 16 बी गर्ल्स हिस्सा लेंगी।